क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो क्लास 12 फिजिक्स का एक नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट एसी। तो एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है एसी और एक आसान चैप्टर भी है। अगर आप सीक्वेंस में इसको पढ़ोगे और जो जो बताते जा रहे हैं वो बढ़िया से नोट करते चलोगे, ठीक है। तो आज तो एसी का हमारा पहला लेक्चर है, तो आज तो हम इंट्रोडक्शन देंगे टॉपिक का, आपको डिफरेंस बताएंगे कि अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट से कैसे डिफरेंट है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या होता है, कैसे निकालते हैं, हमेशा 2I0/π नहीं होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट या ऑफ ईएमएफ निकालने का तरीका क्या होता है, I0/√2 हमेशा नहीं होती है, अच्छे अच्छे सवालों में आरएमएस निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ये सब आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तो यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर्स ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। निकालिए कॉपी और पेन, नोट्स अच्छे से बनाइएगा और चूहे को खाना बंद कर दें। और जो बच्चे चाहें वो हमारी वेबसाइट www.physicswalaalakhpandey.com पर जाकर इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये खूबसूरत सा नगमा जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। बच्चों मैं आपको सच बताऊं तो अल्टरनेटिंग करंट कोई नया चैप्टर नहीं है, इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेट करोगे वही चैप्टर आगे बढ़ गया। अगर आपको याद हो तो ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आखिरी लेक्चर में हमने आपको एसी जनरेटर बताया, नहीं देखा देख लीजिए, यूट्यूब पे टाइप करिए एसी जनरेटर फिजिक्स वाला क्लास 12 लिखना वरना क्लास 10th का मिल जाएगा। तो वहां हमने आपको बताया था कि अल्टरनेटिंग करंट पैदा कैसे होता है, बनाया कैसे जाता है एसी जनरेटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये होता क्या है अल्टरनेटिंग करंट और कैसे डिफरेंट है डीसी से। पहले देखते हैं, तो पहले बात करते हैं डायरेक्ट करंट की। तो डायरेक्ट करंट बच्चों वो करंट होता है जो यूनिडायरेक्शनल हो। कैसा हो? यूनिडायरेक्शनल हो, जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, फ्लोस ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी करंट अपना साइन चेंज ना करे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहे। जैसे कि ये करंट, यहां टाइम, यहां करंट, पूरे टाइम यहाँ पे देखो करंट पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी है, बट कांस्टेंट होना कंडीशन नहीं है, कंडीशन ये है कि या तो पूरे टाइम पॉजिटिव रहो या तो पूरे टाइम नेगेटिव रहो, ऐसे करंट को हम डीसी करंट बोलेंगे। जैसे ये देखो, ये करंट वेरिएबल है पर पूरे टाइम प्लस 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 पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो ये डायरेक्ट करंट हो जाएगा। जैसे देखो, ये देखो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, बट एक ही तरफ हो, दो तरफ ना हो, ऐसे ये पूरे टाइम करंट नेगेटिव है, वेरिएबल है बट पॉजिटिव नहीं हो रहा, अपना साइन ना चेंज करे करंट, ऐसे करंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। कई बच्चे सोचते हैं डायरेक्ट करंट का मतलब कांस्टेंट करंट, वो ऐसा जरूरी नहीं है। डायरेक्ट करंट का मतलब यूनिडायरेक्शनल करंट जो अपना साइन चेंज ना करे। डायरेक्ट करंट के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट के सोर्स के लिए डीसी सोर्स, अरे बैटरी का सिंबल डीसी सोर्स ऐसा। डायरेक्ट करंट के पास एक फिक्स डायरेक्शन होता है, इसलिए हम ऐसे करंट बना सकते हैं और वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तो पूरे सवाल के लिए हम एक ही डायरेक्शन करंट का ले सकते हैं, क्लियर है। अब आते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जो आज हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा ध्यान से देखो, अभी तक आपने डायरेक्ट करंट ही पढ़ा है, अरे पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ डाली उसमें डायरेक्ट करंट ही तो देख रहे थे हम, बैटरी लगा लगा के तो करंट निकाल रहे थे, ये रजिस्टर वो रजिस्टर ये कैपेसिटर सब में बैटरी लगी थी। अभी तक आप अल्टरनेटिंग करंट से खेलना ही नहीं जानते हो, इसीलिए ये चैप्टर नया आया है अल्टरनेटिंग करंट, इससे आपको बताया जाएगा अल्टरनेटिंग करंट से कैसे सवाल सॉल्व करें। अगर एसी के साथ रेजिस्टर लगा हो या एसी के साथ कैपेसिटर लगा हो, इंडक्टर लगा हो, दो लगे हो, तीनों लगे हो, तो कैसे डील करना है वो ये चैप्टर में समझना है। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? ये ऐसा करंट है विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ऐसा करंट जो अपना डायरेक्शन चेंज करे, साथ में मर्जी हो तो मैग्नीट्यूड भी चेंज करे, नहीं मन हो तो ना करे पर डायरेक्शन जरूर चेंज करे, ऐसा करंट जुम 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 जुम, कभी प्लस कभी माइनस कभी प्लस कभी माइनस, ये आपने देख ही रखा होगा, तो अपना डायरेक्शन जरूर चेंज करे,
वैल्यू हो सकता है सेम रखे, जैसे मान लो यहाँ पे करंट ने वैल्यू ली कॉन्स्टेंट कुछ 2 एम्पियर की, टिक 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 टिक, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे फिर कॉन्स्टेंट माइनस 2 एम्पियर, टिक 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 टिक, फिर प्लस 2 एम्पियर, टिक 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 टिक, माइनस 2 एम्पियर, टिक 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 टिक, प्लस 2 एम्पियर. सो दिस करंट इज कॉन्स्टेंट बट इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, ऐसे करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे. ज़ूम 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 ज़ूम. Clear what difference between DC and AC? DC will take only one direction, AC will take both direction. The symbol for AC current is like zumba 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 zoom. ये रहा AC source. और AC current में आप ऐसे नहीं बनाना. हम बनाएंगे, आपको बताएंगे किस condition बना सकते हैं. But ये बनाना गलत हो गया क्योंकि AC current कच 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 अपना direction change करता है. कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर. इसीलिए alternating current बोलते हैं. Note करें. This is the difference between direct current and alternating current. दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है? सी 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 अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा खतरनाक होता है, अभी आगे बताएंगे हम आपको ये बात. नोट करिए, इतना डर लग रहा है सर, डर क्यों, क्या होगा इसमें सर? कुछ नहीं, बहुत आसान है, जैसे जैसे बताएंगे बस सीक्वेंस में फॉलो करना, ठीक है? अपना दिमाग मत लगाना, कॉम्प्लेक्स नंबर मत ले आना, कहीं किताब में कॉम्प्लेक्स नंबर समझाता है, ये सब चक्कर मत पड़ना. जितनी चीजें बताएंगे ध्यान से लिखते जाना, सवाल पे सवाल बनते जाएंगे. नोट करें, क्योंकि ये एडवांस लेवल का टॉपिक होता है, ये ढंग से देखा जाए तो बीटेक के अंदर आता है, जब आप इंजीनियरिंग करने जाते हो तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये बहुत डिटेल में समझाया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर लगाकर. मैथ्स में है कॉम्प्लेक्स नंबर, बायो वाले कह रहे हैं ये क्या है, ठीक है? बट हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें तो ऊपर ऊपर से पढ़ना है और हम आपको कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे कहां पे क्या लगाना है, ये कैसे होगा, हो जाएगा. बहुत आसान, बहुत आसान है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी आसान चैप्टर है. यहां पे नंबर बटते हैं एग्जाम में, छाप लीजिए सर, कितना अच्छा एग्जाम में नोट बटे ऐसे ऐसे पैसे बिटा रहे हैं. पॉज करके नोट करो, बातों में फंस जाते हो मेरी. छाप लिया, छाप लिया. ओके, दुल्हन तो जाएगी दुल्हन जाएगी सर, दुल्हन तो जाएगी दुल्हन जाएगी सर, दुल्हन तो जाएगी. अच्छा, एक नई चीज समझते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट. अब देखो यार, आप देख रहे हो करंट यहाँ पे वेरिएबल टाइप का है, तो हम एवरेज वैल्यू की बात करें. करंट भी वेरिएबल होगा और इसका ईएमएफ भी वेरिएबल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस. तो हम एवरेज वैल्यू की बात करेंगे. अब कई लोग रट के बैठे हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट इज 2I0/π, दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. अगर आपने बीए याद किया है, क्या आपके टीचर ने भी आपको ये पढ़ाया, क्या आप बीए रट के बैठे हैं, तो आप बड़ी मुश्किल में हैं, ठीक है? ये होता है बट एक पर्टिकुलर कंडीशन में, जब करंट की इक्वेशन I0 sin ωt हो. सारे अल्टरनेटिंग करंट के लिए ट्रू नहीं. पहले एवरेज वैल्यू का मतलब समझते हैं. देखो, करंट अगर हम लिखना चाहें बच्चों, तो हम लिखेंगे dq/dt इस करंट, ऐसे लिखते हैं dq/dt. ये कौन सा करंट होता है? ये होता है इंस्टेंटेनियस करंट, यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या करंट है. अगर हम कोई कहे एवरेज करंट, आई एवरेज, तो एवरेज करंट क्या होगा कि उस टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया और कितने टाइम में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं इस चैप्टर की, बड़े काम की चीज है, वरना हम भी 2I0/π बता के बंद कर देते. क्या हम करंट को dq/dt लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम गलत नहीं. क्या हम dq = idt भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें और इसको इंटीग्रेट कर दें, तो क्या q = integral idt लिख सकते हैं? दिस इज द चार्ज फ्लोन इन टाइम टी, या इंटीग्रेशन जीरो से टी लगा दो, इंटीग्रेशन में जीरो से टी लगा दो, तो ये टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ वो मिल रहा. यानी यहां पर हम q की जगह I average = integral idt अपॉन, अब ध्यान से, क्या t की जगह मैं इंटीग्रल dt लिख सकता हूं? अरे इसको इंटीग्रेट कर दो जीरो से t तक, t तो है, छोटे छोटे टाइम को इंटीग्रेट कर दो पूरा टाइम. लिखने का तरीका है फॉर्मूला I average = integral idt/dt. पहले नोट करो फिर बताएं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी. हमने क्या बोला, आई एवरेज होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम. हमें टोटल चार्ज कैसे निकलेगा? इंटीग्रल आई डी टी से.
I is equals dq by dt, dq is equals to i dt, q is equals to integral i dt. हमने कहा q की जगह integral i dt और नीचे integral dt, dt 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 जोड़ोगे t बन जाएगा. नोट करो फिर बताएं. बच्चों कोई भी क्वांटिटी अगर टाइम पे डिपेंड कर रही है, जैसे आपको पता है करंट यहां टाइम पे डिपेंड कर रहा है, कर रहा है कि नहीं, टाइम के साथ चेंज हो रहा था. करंट अगर टाइम पे डिपेंड किया, कोई भी क्वांटिटी अगर टाइम पे डिपेंड करे और उस क्वांटिटी का आपको एवरेज निकालना हो, तो निकालने का तरीका होता है इंटीग्रल वो क्वांटिटी इनटू डीटी, नीचे इंटीग्रेशन ऑफ टाइम. क्या बोली सर, क्या बोला. मान लो कोई क्वांटिटी है y, वेयर y इज फंक्शन ऑफ टाइम, y टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जैसे करंट टाइम के साथ बदल रहा था. हमसे किसी ने कहा y का एवरेज निकालो, तो तरीका क्या होगा, इंटीग्रल y dt अपॉन इंटीग्रल dt. ये चीज सीख लो, ये चीज सीख लो, बड़े काम की है. कि कोई भी चीज अगर टाइम पे डिपेंड कर रही, क्या कोई ऐसी ना जब रूठ जा, कोई भी चिची क्वांटिटी अगर टाइम पर डिपेंड करे तो एवरेज ऐसे निकालो. क्लियर. जैसे y देखो टाइम पे डिपेंड कर रहा, तो y का एवरेज जैसे जैसे ऐसी आपको इसी चैप्टर में आगे क्यों आपको मिलने वाला है क्वांटिटी पार. पार भी यहां पे फंक्शन ऑफ टाइम होगा इस चैप्टर में कई बार. तो पार का भी एवरेज जब निकालना होगा, एवरेज पार टर्म यूज होगा, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रल p dt अपॉन इंटीग्रल dt. समझ गए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर टाइम पे डिपेंड करती है और इस क्वांटिटी का आपको एवरेज चाहिए, तो आप क्या करो, इंटीग्रल i dt अपॉन इंटीग्रल dt, इंटीग्रल p dt अपॉन इंटीग्रल dt. नोट करें इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये है एवरेज करंट का एक्चुअल फॉर्मूला. यहां से 2i नॉट बाय पाई कभी आएगा कभी नहीं आएगा, नोट करें. नोट कर लिया, जादू. ओके, अब जरा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालते हैं. एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी ऐसी हो जाएगा, इंटीग्रल वी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी. और एक सवाल रखते हैं हमारे पास, ये है एक सवाल. इफ आई इज इक्वल्स टू 2, no, not 2, I is equals to 3t square, find average current in 2 seconds, 2 seconds में average current बताएं, क्या करेंगे, I is equals to 3t square, t की जगह 2 रख देते हैं, 3 into 2k square, 4 रहते हैं, 4 3 12 रहते हैं, 12 increase the answer. ये तो गलत है, सभी को पता होगा. ये आपने करंट निकाला है दूसरे सेकंड पे, ये आपसे एवरेज पूछ रहे हैं. करंट देखो समय के साथ बढ़ रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है. आपने 2 सेकंड्स में उठा के करंट बताया, ना ये ना पूछा आपसे, आपसे एवरेज पूछा है. तो आई एवरेज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई, इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी. कहां से कहां, 0 से लेकर 2 सेकंड्स, 0 से लेकर 2 सेकंड्स. I की जगह क्या रखोगे, 3t square dt, अरे कितना बड़ा सांप बन गया, 3t square dt 0 से लेके t, integration of dt 0 से लेके 2, है? 3 बाहर आ जाएगा, t square का integration t cube by 3 हो जाएगा, 0 से लेके 2, 3 से 3 हमारा, dt का integration t 0 से लेके 2. तो आपको फाइनली आई एवरेज की वैल्यू मिलने वाली है, t cube की जगह आप 2 cube रख दोगे यानी 8, और नीचे रखोगे 2, तो आंसर आएगा 4 एम्पीयर. बोलो क्लियर हो गया. सो एवरेज करंट कैन आल्सो बी 4 एम्पियर. क्लियर हुई बात, ये कॉन्सेप्ट है एवरेज करंट का. 2i नॉट बाय पाई एक फॉर्मूला है एवरेज करंट का, एक पर्टिकुलर कंडीशन में. छाप लें इसको, आया बोलो, पक्का बोलो, बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो आया. बहुत बढ़िया सर, बोल तो रहे हैं आप सुन ही नहीं रहे हो. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. अच्छा, जरा सी चीज को हम लोग थोड़ा ग्राफ वगैरह से भी देख लेते हैं. ग्राफ वगैरह बना के मान लो हमने एक सुंदर सा प्यारे से ग्राफ बना के दिया है i वर्सेस t का. देखो जरा इसको, कुछ 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 कु
मान लो हमें एक ग्राफ बना के दिया, यहाँ बोलता है करंट 2 एम्पीयर, यहाँ कहता है माइनस 2 एम्पीयर, और ये टाइम के साथ ग्राफ आगे बढ़ता जा रहा है, कभी प्लस 2 एम्पीयर, कभी माइनस 2 एम्पीयर, कभी प्लस 2, कभी माइनस 2, एसी करंट है। अब हमसे यहाँ पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एवरेज। बच्चों आई एवरेज को आप एनसीईआरटी में देखोगे ऐसे भी लिखा जाता है, इसका मतलब भी आई एवरेज होता है। और बच्चों आई एवरेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बार किसी भी चीज का एवरेज, आई क्या पावर का एवरेज हो, वोल्टेज का एवरेज हो, है ना, तो उसको ऐसे कुचक कुचक में बंद कर दो या ऊपर उसके बार लगा दो, इसको हम लोग एवरेज बोलते हैं। हमसे कहा आई एवरेज निकालो किस चीज का, फॉर फुल साइकिल, फॉर फुल साइकिल बताओ एक कंप्लीट साइकिल का एवरेज करंट कितना है, जीरो। भाई आधी साइकिल में प्लस टू है, आधी साइकिल में माइनस टू है, तो एवरेज कितना आएगा, जीरो। क्लियर? तो कभी आपको कोई साइकिल वाला करंट दिखे, है ना, इस टाइप का जूम जूम जूम, या इस टाइप का साइकिल वाला, जितना पॉजिटिव उतनी देर के लिए नेगेटिव, उतना ही नेगेटिव उतनी ही देर के लिए नेगेटिव, जितना पॉजिटिव और उतना ही नेगेटिव, जितनी देर पॉजिटिव उतनी देर नेगेटिव, तो आप तो आपको फुल साइकिल का एवरेज करंट जीरो आएगा। अब इसी में एक सवाल और बनता है, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, ऐसे भी लिखा हो सकता है आई जूम जूम हाफ साइकिल, समझ जाओगे जूम जूम का मतलब क्या है, एवरेज। तो हाफ साइकिल का एवरेज क्या होगा, हाफ साइकिल का एवरेज, अगर हाफ साइकिल का एवरेज देखे तो 2 एम्पीयर, या इस तरफ से हाफ साइकिल का माइनस 2 एम्पीयर, तो हम इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं मॉड लगा के, कितना आंसर है 2 एम्पीयर, कभी प्लस 2 कभी माइनस 2, बट हाफ साइकिल में जीरो नहीं है, इधर भी 2 है इधर भी 2, आधी साइकिल देखो एक कंप्लीट साइकिल ये हुई, ये हुई हाफ साइकिल। क्लियर हुई बात? अच्छा एक ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सुनना ध्यान से, आई स्क्वायर बार, बार लगाएं या कुछ कुछ लगाएं एक ही चीज है, ऐसे लिखते हैं आई स्क्वायर कुछ कुछ, ये क्या है, ये स्क्वायर का एवरेज है, आगे काम आएगा, स्क्वायर का एवरेज करंट के स्क्वायर का एवरेज, अरे आ रहे हैं भाई टू आई नॉट वाई पाई पे, उसी पर रुके हो, स्क्वायर का एवरेज जरा बताओ, यहां स्क्वायर का एवरेज क्या है, यहां पे स्क्वायर कितना होगा, चार, यहां पे स्क्वायर चार, यहां पे स्क्वायर चार, यहां पे स्क्वायर चार, यानी स्क्वायर तो हमेशा चार है, तो एवरेज भी कितना आ जाएगा, चार, तो स्क्वायर तो कांस्टेंट है, चार। अरे भाई कांस्टेंट क्वांटिटी है, अगर तुम आई स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे वर्सेस टाइम, अरे 12th में आ गए, आई स्क्वायर का ग्राफ बनाओ वर्सेस टाइम, तो क्या ऐसा बनेगा, चार एम्पियर आई स्क्वायर, इसका एवरेज भी चार आ जाएगा, अरे आई स्क्वायर चेंज ही नहीं हो रहा, चार 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 चार, ठीक है, तो आई स्क्वायर का एवरेज भी निकालना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, आई स्क्वायर या बी स्क्वायर। क्लियर है, मिटा रहे ग्राफ, समझ रहे हो, फुल साइकिल में जीरो, हाफ साइकिल में कुछ वैल्यू आएगी। अच्छा अब बात करते हैं जो हमारे घरों में करंट आता है उसके बारे में, जो हम सबको एक ना एक बार लाइफ में लगा है, शॉक लगा रहे, शॉक लगा रहे, शॉक लगा, उस करंट की बात करते हैं। तो वो करंट एसी जनरेटर से प्रोड्यूस होता है, और उस करंट का या उस ईएमएफ का इक्वेशन आपको पता होगा, हाउस होल्ड करंट की बात करें जिसकी हमें स्टडी करनी है पूरी, तो हमारे घर में एसी करंट सप्लाई होता है, और एसी करंट पैदा होता है एसी जनरेटर से, और एसी जनरेटर मैंने आपको ईएमआई के लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जो कि प्रीवियस चैप्टर ही था आपका, और वहां हमने देखा था एसी जनरेटर से जो करंट निकलता है या उससे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो कुछ इस टाइप की इक्वेशन लेता है, V is equals to V not sin omega t, या E is equals to E not sin omega t, अलग अलग किताब में अलग अलग सिंबल है पोटेंशियल का, कई बार EMF के फॉर्म में E is equals to E not sin omega t, नाम में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है, भावनाओं को समझो, V is equals to V not sin omega t, यानी ये पोटेंशियल टाइम के साथ वेरिएबल है, ये पोटेंशियल टाइम के साथ वेरिएबल है, ये पोटेंशियल टाइम के साथ वेरिएबल है, ऐसे साइन का ग्राफ बनेगा, ये साइन का कर्व बन गया साइन का, और अगर आप इसका करंट देखोगे तो करंट कितना आएगा, I is equals to I not sin omega t, यानी ये करंट भी टाइम के साथ वेरिएबल है, और ये भी साइन का ग्राफ ही बनाएगा ऐसे, तो हमें ज्यादातर डिस्कशन इस चैप्टर में ऐसे करंट और ऐसे पोटेंशियल का ही करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अभी मैंने ग्राफ तो आपको दिखाया बीच में इसे वाले बनाए, रेक्टेंगल वाले आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर ले लिया, वो ट्रायंगल वाले ग्राफ दिखाया, बट इस चैप्टर में 95% सवाल इन ग्राफ पे है, 95% टाइम आपका पोटेंशियल इस फॉर्म का होगा, और करंट कुछ कुछ इस फॉर्म के आसपास, साइन ओमेगा टी के साथ कुछ और चीज भी जुड़ी हो सकती है,
साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो सकता है, एस एच एम में पढ़ा होगा आपने, ऐसे चिप से हमने छोड़ दिए थे, वो तो इलेवेंथ में था। कुछ नहीं यार, यार इसके साथ एंगल में और कोई चीज लिखी होगी, इसको फेस बोलते हैं, सब पता है ना, छोटी मोटी चीज। चलो अगले लेक्चर में सब आएंगे बातें, तब समझाएंगे। इसको फेस बोलते हैं जो एंगल होता है अंदर साइन के साथ, तो हो सकता हो कुछ फेस के साथ यहाँ पे प्लस फाइव माइनस फाइव प्लस थर्टी डिग्री प्लस सिक्सटी डिग्री ऐसा कुछ लिखा हो, ठीक। जो भी ग्राफ करीब करीब ऐसा ही बनेगा। तो आपके सिलेबस में जो मैक्सिमम सवाल आएंगे 95% वो या तो ऐसे पोटेंशियल पे या ऐसे करंट पे ही बेस्ड होंगे, तो ध्यान से इसको देख लें। तो हम ऐसे करंट की बात करने जा रहे हैं, ये एसी जनरेटर से बनने वाला करंट है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है क्योंकि इसकी वैल्यू समय के साथ चेंज हो रही है, ये साइन के ग्राफ को फॉलो कर रहा है। अब ऐसे करंट की हम एवरेज वैल्यू निकालने जा रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको, छापना है छाप लें, ओके आइए। अब तो हम निकालते हैं एवरेज फॉर दिस करंट, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस करंट का हम एवरेज निकालने जा रहे हैं, जरा से ग्राफ बना लेते हैं। तुम भी हो मैं भी हूं, पासा हो तो कह दूं, आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया, तुम्हें जो मैंने देखा तुम्हें जो मैंने जाना तुम्हें जो मैंने देखा, ठीक है। ये हाफ टाइम, ये फुल टाइम, एक साइकिल कंप्लीट हुई फिर अगली साइकिल चली। अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज आई एवरेज फॉर फुल साइकिल, कोई डाउट, कोई शक? नो सर, कितना आंसर आएगा? जीरो। फुल साइकिल में जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितनी देर पॉजिटिव उतनी देर नेगेटिव, आंसर विल बी जीरो। पर हम नहीं मानेंगे, हम इसका प्रूफ देंगे, ये अदालत सबूत मांगती है, तो आओ सबूत दे। आई एवरेज निकालने का जो तरीका है हमारे पास वो है इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। ऐसा हमें करना है कितने देर के लिए, एक साइकिल के लिए, तो जीरो से लेके कैपिटल डी, जीरो से लेके कैपिटल डी, क्योंकि फुल साइकिल की बात हो रही है। फुल साइकिल का एवरेज करंट जीरो ही होता है, बट हम उसको प्रूफ करने जा रहे हैं। मान लो बोर्ड में पूछ लिया तो इंटीग्रेशन आई की जगह लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी जीरो से लेके टी, और नीचे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी जीरो से लेकर टी। यहाँ से देखो आई नॉट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये शायद ओमेगा से डिवाइड भी करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, है कि नहीं? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और थीटा के अंदर कुछ लिखा है उससे डिवाइड कर दो। अच्छा, और भाई लिमिट लगानी पड़ेगी, और भाई लिमिट लगानी पड़ेगी कितनी, कहाँ से कहाँ? जीरो से लेके टी, और नीचे डी टी का इंटीग्रेशन तो टी ही हो जाएगा, नीचे क्या है ओमेगा टी। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, इसको अगर हम आगे लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो, ये तो आएगा ना, अरे टी की जगह कैपिटल टी, फिर टी की जगह जीरो, कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो, नीचे ओमेगा टी। अब याद करो ये टी, ये कैपिटल टी, क्या ये होता था टू पाई बाय ओमेगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। अरे कितनी भी बुरी हालत होगी तुम्हारी, कहीं ना कहीं किसी गुरुद्वारे किसी मंदिर के बाहर कहीं तो लिखा होगा ये टी इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा। अरे कहीं ना कहीं ट्रेन में कहीं तो लिखा है टू पाई बाय ओमेगा। अरे सर्कुलर मोशन में देखा होगा, एसएचएम में देखा होगा, वेव्स में देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा टू पाई बाय ओमेगा। तो हम टी की जगह टू पाई बाय ओमेगा पुट करके, सर मैंने कहीं नहीं देखा, आ, 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 कोई बात नहीं, यहां से देख लो। हाँ, टी की जगह हमने टू पाई बाय ओमेगा पुट किया, टी समझ रहे हो ना, टाइम पीरियड, ये सब एसएचएम में पढ़ चुके हम लोग। हाँ, टी टाइम पीरियड टू पाई बाय ओमेगा, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड। तो यहां से ओमेगा, ओमेगा मर गया, cos 2 पाई, cos 2 पाई मतलब cos 360, cos 360 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1, 1 मक्खन 0, आ गया। अरे भैया cos 2 पाई मतलब cos 360, cos 360 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1, 1 मक्खन 0, करंट 0। तो बीवी ये करंट 0 होती, ये करंट जीरो आती है, समझ लो। तो फुल साइकिल का करंट एवरेज जब निकालोगे एसी में तो जीरो आएगा, इसीलिए ये पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर है हाफ साइकिल, पॉपुलर है हाफ साइकिल, जिसकी वैल्यू आप रट के बैठे हो 2i0 / π।
छाप लें इसको। सर मैं तो वो भी नहीं रट के बैठा था, जो पढ़ के बैठा वो रट के बैठा। हाँ छाप लिया। मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल तुम्हीं को दिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, तुम्हीं से मैं प्यार करूं। उसी के बाद मम्मी की फ्लाइंग चप्पल मिलते ही सारा प्यार उतरता हुआ। मिटा दें इसको। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, जो कि जीरो नहीं है। सभी को पता है हाफ साइकिल का जीरो नहीं है, कुछ वैल्यू आ रही है। तो आई, अरे छी तुम भी मिटा गए, रुक जाओ। आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, आधे साइकिल की बात करें तो इसकी वैल्यू आएगी 2i नॉट बाय पाई इस पर्टिकुलर कंडीशन में, जब sin ओमेगा t या cos ओमेगा t का यहां पे फंक्शन हो, i नॉट sin ओमेगा t, i नॉट cos ओमेगा t, उस कंडीशन में ये आएगा। आओ देखते हैं कैसे। सो i एवरेज का फार्मूला फिर से हम पुट कर देंगे, इंटीग्रल i dt अपॉन इंटीग्रल dt। अच्छा मान लो मैं i स्क्वायर का एवरेज निकालना हो तो i स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रल dt। क्लियर है ना? जिस चीज का भी एवरेज निकालना है उसको dt के साथ इंटीग्रेट और नीचे इंटीग्रेशन dt। कहां से कहां जाना है इस बार? 0 से लेकर t by 2 से इतना चाहिए हमको, ये इसका एवरेज चाहिए। कभी करंट कम है, कभी ज्यादा है, कभी कम, इस पूरी की एवरेज होनी चाहिए। और ये देखो पीक वैल्यू होती है, दिस इज व्हाट, दिस इज पीक वैल्यू, यही तो i नॉट है, समझ रहे हो? ये i नॉट है। क्या पूरे टाइम करंट i नॉट है? नहीं यार, शुरू में 0 है, फिर बढ़ा, बीच में एक बार i नॉट हुआ, फिर घटा, ठीक है, तो पीक वैल्यू। और यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं तो आई डी टी की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी से 0 से लेके टी बाई 2 नीचे इंटीग्रेशन ऑफ टी भी 0 से टी बाई 2। आपको पता है इंटीग्रेट करोगे डी टी को तो टी आएगा, कहाँ से कहाँ? 0 से टी बाई 2। फिर यहाँ आई नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अभी आपने देखा था, आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी, नीचे एक ओमेगा भी आ जाएगा, 0 से लेके टी बाई 2 करेंगे, ये टी का एंड मिंग मिंग भागू, ऐसा लिखा जाएगा, बिंग बिंग बंग मांगो, क्लियर है ना? t जगह t by 2 फिर माइनस 0। अच्छा फिर आगे बढ़ेंगे, i एवरेज इज इक्वल टू, यहां से माइनस को चलो बाहर निकाल लेते हैं, cos ओमेगा t, t की जगह पहले t by 2 फिर माइनस cos ओमेगा और t की जगह 0, ये बोलो सही है? अरे भाई t की जगह t by 2 रखा, माइनस t की जगह 0 रखा, इस माइनस को मैंने खींच के बाहर कर लिया है, नीचे की चीज से डिवाइड हो रहा है ओमेगा t by 2 से, ठीक है। हाँ अब बताओ t की जगह क्या रखेंगे? 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा पुट कर दो, माइनस i नॉट cos ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा 2 माइनस cos 0, बोलो सही है? t की जगह 2 पाई बाय ओमेगा रखा, यहां भी t की जगह 2 पाई बाय ओमेगा रख दें, ओमेगा इनटू 2 पाई बाय ओमेगा और यहां पे एक 2, बोलो सही है? t की जगह 2 पाई बाय ओमेगा। अब क्या होगा? अब कट्टम कुट्टा खेलेंगे, बूम 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 बूम। हाँ बोलो बोलो क्या आ रहा है? cos पाई यानी cos 180, cos 180 की वैल्यू माइनस 1, माइनस cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 i नॉट बाय पाई, बोलो आ गया? हवा लग रही है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। cos पाई मतलब cos 180, cos 180 इज माइनस 1, cos 0 इज 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 i नॉट बाय पाई, यही तो बोला था मैंने, 2 i नॉट बाय पाई। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसोइडल करंट फॉर हाफ साइकिल, बाकी किसी भी करंट का एवरेज ये हो ऐसा नहीं है, रट के मत जाना। हाँ इस पर्टिकुलर केस में आंसर यही आएगा, छापें इसको, टीपें इसको। पीक वैल्यू समझ में आई? जो मैक्सिमम वैल्यू है। एवरेज वैल्यू समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई सर, इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। फुल साइकिल का एवरेज 0, हाफ साइकिल का एवरेज डिपेंड करेगा, जैसे यहाँ पे 2 i नॉट बाय पाई, 95% केस में आपको ये मिलेगा, इसलिए बच्चे इसको रट लेते हैं। छाप लिया। अभी ये सब करने का शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे लास्ट में लेक्चर के, कुछ से मिटा रहे हैं। ओके तो ये बहानी थी पूरी एवरेज करेंट। अच्छा इसी तरह से एवरेज एवरेज ईएमएफ भी आप निकाल सकते हो, समझ रहे हो? लिख लो इसको, इफ वी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी देन वी एवरेज इज इक्वल्स टू 2 वी नॉट बाय पाई, इसकी जगह कई बुक में ई लिखा होता है, ई भी मतलब ईएमएफ पोटेंशियल,
और इसी तरह से I is equals to I naught sine omega t. So I average is also equals to 2 I naught by pi. इस पर्टिकुलर कंडीशन में और ये दोनों एवरेज निकाले गए हैं फॉर हाफ साइकिल. क्लियर है? छाप लिया. तो ये थी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ की बात. पीक वैल्यू भी समझ में आया, एवरेज भी समझ में आया. अब आते हैं आरएमएस वैल्यू पर. किसमें आ रहे हम? आरएमएस वैल्यू पर. आरएमएस ये में डालना अल्टरनेटिव करंट. हां समझ गए भाई, यही चैप्टर चल रहा है. आरएमएस वैल्यू ये सर 11th पढ़ा था. कहां पढ़ा था सर? हां गैसी से स्टीप भी पढ़े थे सर मैंने. रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर. पहले स्क्वायर करो फिर उसका मीन यानी एवरेज लो फिर उस पे रूट लगा दो. देखो क्या है कि आप देख रहे हो कि जो घरों में पोटेंशियल आ रहा है वो कुछ ऐसा है. V is equals to V naught sin omega t. इससे तो एग्री करते हो, यहां तक तो सही बता रहे हैं. इसी जनरेटर से यही बनता है, ये आ रहा घर में. अच्छा हमने सुन रखा है कि घर में हमारे 220 वोल्ट आता है. सबने सुन रखी है बात, घर में 220 वोल्ट आता है. तो 220 वोल्ट क्या है? V naught है यानी पीक वैल्यू है, एम्पलीट्यूड है या एवरेज है? टाइम टी के साथ अगर पोटेंशियल का मैं ग्राफ बनाऊं घर में आने वाला ईएमएफ तो कुछ ऐसा है. ये इसकी वैल्यू, पीक वैल्यू V naught. तो ये 220 वोल्ट क्या V naught है या 220 वोल्ट V एवरेज है? दोनों नहीं. ये जो 220 वोल्ट आता है ये पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है. अब आरएमएस का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है. जब भी कहीं लिखा होता है ना कि ये एसी का पोटेंशियल इतना है या एसी का करंट इतना है तो वो असल में आरएमएस वैल्यू लिख रहा होता है, एवरेज भी नहीं लिखता. एवरेज का इतना इंपॉर्टेंस नहीं जितना आरएमएस का. बताएं आरएमएस क्या होता है, बात करें इसके बारे में. चलो इसको फिर से बताएंगे कि घर पे जो 220 वोल्ट आता है वो आरएमएस है. फिर समझाएंगे इसको, पीक नहीं है. देखो रूट मीन स्क्वायर का मतलब, रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या है? आराम से देखो कि पहले स्क्वायर करो, चाहे पोटेंशियल हो चाहे करंट हो, पहले स्क्वायर करो फिर एवरेज निकालो. मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज. और उसके बाद रूट लगा दो. क्लियर? पहले स्क्वायर करो फिर एवरेज निकालो फिर रूट लगाओ. जैसे हम आपसे पूछें व्हाट इज आई आर एम एस, करंट आर एम एस वैल्यू, वी की भी हो सकती है आई की भी हो सकती है, आई आर एम एस, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? पहले करंट का स्क्वायर करो फिर उसका एवरेज निकालो. एवरेज के लिए लगा दे, यही तो होता है ना एवरेज, चुकू चुकू, और फिर उसका रूट लगाओ. दिस इज द वैल्यू ऑफ आई आर. कोई आपसे कहे वी आर एम एस बताओ, वी आर एम एस क्या करो? पहले स्क्वायर करो, वी का स्क्वायर किया फिर रूट लगाओ, सॉरी फिर एवरेज निकालो और फिर रूट लगाओ. समझ गए? रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट, वी आर एम एस या आई आर एम एस. अलग अलग कंडीशन में इसके आंसर भी अलग अलग आएंगे, पर इसका भी बच्चे एक आंसर रटे होते हैं, आई नॉट बाई रूट टू वी नॉट बाई रूट टू, जो कि ट्रू है जब करंट और पोटेंशियल साइनोसोडुअल हो. अगर पोटेंशियल की इक्वेशन है V is equals to V naught sin omega t, अगर करंट की इक्वेशन है I is equals to I naught sin omega t, इन कंडीशंस में आप बोल सकते हो कि V RMS की जो वैल्यू आएगी वो V naught by root 2 आएगी और I RMS की जो वैल्यू आती है वो I naught by root टू आती है. बट ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं, एक्चुअल फॉर्मूला ये है और ये है. हाँ आपके सिलेबस में आपको 95% सवाल यहीं से मिलते हैं तो ये आंसर ट्रू होगा, बट एक्चुअल फॉर्मूला ये है. नोट करें, छापे इसको, दिमाग में बातें जा रही है, नए नए टर्म मिलते जा रहे हैं. समझ में आ रहा है कुछ? एवरेज वैल्यू समझ में आई थी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम आरएमएस की बात कर रहे हैं.
चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया इतना, ओके। तो आइए हम लोग ये वाली ही डेरिवेशन करते हैं कि कैसे आया आई नॉट बाई रूट टू, कैसे आया वी नॉट बाई रूट टू, आप देखते हैं। ठीक है, थोड़ी लंबी डेरिवेशन, चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी दे रखा है और हमसे आई आर एम एस पूछा है इस करंट का। हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस, तो हम आपको पहले से बता दे रहे हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में आई नॉट बाई रूट टू ही आता है। जैसे एवरेज इस पर्टिकुलर कंडीशन में 2 आई नॉट बाई पाई ही आएगा, पर करने का तरीका क्या है किसी भी सवाल के लिए, वो है आई आर एम एस इज इक्वल टू आई का स्क्वायर करो, उसका एवरेज लो और उस पे स्क्वायर रूट लगाओ। आ जाओ, तो आई का स्क्वायर, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बोलो आई का स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज और उसके ऊपर रूट, रूट की जगह ये लिख लो कि पावर 1 बाय 2। कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस, ओके। अब बच्चों किसी चीज का एवरेज निकालना है और वो चीज टाइम पे डिपेंड कर रही है, क्या किया जाए? किस चीज का एवरेज निकालना है वो चीज टाइम पे डिपेंड कर रही है, क्या ऐसा कुछ करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी की पावर 1/2। बोलो सही क्या क्या मैंने, मुझे इस पूरी क्वांटिटी का, देखो यार इसका मतलब चुकू चुकू का मतलब क्या होता है, पूरी क्वांटिटी का एवरेज, तो हमें इस पूरी क्वांटिटी का एवरेज चाहिए और ये पूरी क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है। ऐसी चीज का एवरेज जो टाइम पे डिपेंड कर रहा हो, इंटीग्रेशन आई, ये देखो पूरा आई तो है, आई स्क्वायर चाहिए ना इसका मतलब, इस बार आई का एवरेज नहीं आई स्क्वायर का, तो इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डीटी। देखो ध्यान से आराम से, अगर आपसे कहता है I square का average निकालो तो क्या करोगे? Integration of I square dt upon integration dt, इसी का average चाहिए, जिसका average चाहिए dt upon integration dt। ठीक है भाई, यहाँ पे आते हैं। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अब बड़ा बढ़िया expression है, इसको integrate करना है कहाँ से कहाँ, एक time period के लिए 0 से t। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से I not square तो बाहर आ जाएगा, constant है, कुछ चीजों को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं उसमें से। I not square बाहर आ गया, constant है, dt का integration हो जाएगा t और 0 से t फिर आ जाएगा t, इसको ही बाहर कर लेते हैं। sin square omega t को integrate करना है हमें, sin square omega t dt को integrate करना है। एक बार बताओ sin square theta को क्या लिख सकते हैं, अब तक आपने इंटीग्रेशन पढ़ लिया होगा, साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है, इसको लिख लो 1 cos 2 थीटा। अरे ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़े जी, 2 sin square। देखो साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने का मैथ्स में यही तरीका है कि उसको कॉस थीटा से रिप्लेस करो, 2 sin square theta इज 1 cos 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 cos theta/2, मैथ्स है, नॉट माई मिस्टेक। sin square theta को लिख सकते हैं 1 cos 2 theta/2, maths है, तो sin square omega t को हम लिखेंगे 1 cos 2 omega t/2। बोलो बात क्लियर है, यहाँ पे theta है sin square theta, तो यहाँ पे cos 2 theta, sin square theta is 1 cos 2 theta/2, तो 1 cos 2 omega t/2 लिखा मैंने। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बड़ी इजीली, 0 से लेके t तक, यहाँ लगा दो dt, इस 2 को भी बाहर निकाल लेंगे, चलो आगे करते हैं, और पूरे की पावर हाफ। बड़ा बढ़िया एक्सप्रेशन बना है, आते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू, इक्वल टू लगाते चले, आई आर एम एस इक्वल टू, हाँ यहाँ पे, तो आई नॉट स्क्वायर बाई टी तो बाहर रखा ही अपने पास, ठीक है इसको बाहर रखा रहने देते हैं। अंदर चलते हैं, इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, पहले 1 dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, तो पहले टर्म का इंटीग्रेशन आया t, फिर cos 2 ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस, माइनस लगा हुआ है यार, इंटीग्रेट तुम्हें खुद से करना पड़ेगा सर, ऐसे स्वाइन मत करो हमसे को नहीं रहा। अरे 1 dt का इंटीग्रेशन t हुआ, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा, और फिर 2 ओमेगा से डिवाइड भी करोगे, अरे यहां जो एक्स्ट्रा लिखा उसी से तो डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा t माइनस sin 2 ओमेगा t डिवाइड बाय 2 ओमेगा, यही तो बनेगा। अरे जब ओमेगा था तो ओमेगा से डिवाइड कर दिया, 2 ओमेगा से डिवाइड किया, और पूरे नीचे 2 था, उस 2 को भी यहां उठा के बाहर कर लो, 2 इसके नीचे उठा के बाहर कर लो, ठीक है, और इंटीग्रेट तो हो गया। अब लिमिट लगा दो, कहां से कहां जाना है आपको,
जीरो से लेके टी और इस पूरे की पावर हाफ। क्या प्यारा एक्सप्रेशन है। सो आई आर एम एस आएगा वही, टेंशन नहीं लो। आई नॉट सर आपको पता आप ला ही दोगे कहीं से भी। आई नॉट स्क्वायर बाई टू जैसे तुम लोग स्कूल में प्रूव करते हो ना, hence LHS is equals to RHS है ना, कुछ भी करके LHS से चले पहुंच गए कहां, गंगा किनारे, RHS से चले गंगा के उस किनारे, फिर बीच में जाके कुछ मसाला डाल के हो गया वैसे वैसे नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर सही से होगा ठीक है। तो t की वैल्यू पहले t रखोगे, माइनस इस t की जगह भी कैपिटल t, साइन 2 ओमेगा कैपिटल t अपॉन 2 ओमेगा, फिर t की जगह 0 रखोगे, फिर माइनस साइन यहाँ भी t रख 0 रखोगे 0 बाई 2 ओमेगा। बोलो समझे क्या बोल रहा हूँ, और इस पूरे की पावर हाफ लगा दो ठीक है। इस t की जगह पहले कैपिटल t रखा, फिर बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्चुअल में, अरे जीरो होना उसको वैसे भी, साइन जीरो को क्या टेंशन लगा, बाद में आ जीरो को तो जीरो हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2t ठीक है। यहां से क्या क्या बाहर आने वाला ध्यान देखो, एक तो t बचेगा, अब t की जगह कैपिटल t की जगह 2 पाई बाय ओमेगा रखोगे, यहां पे 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा देखो कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है, 2 पाई बाय ओमेगा रखते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा, इस ओमेगा से ये कटेगा, इससे मत काटना यार, ये तो डिवाइड हो रहा है ऐसे साइन से, बेरहम मत बनो, साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी ये है ना, ये तो 2 ओमेगा पूरे से डिवाइड हो रहा है। अब टी की जगह क्या रखोगे, ये पूरा एंगल है ना, ये 2 ओमेगा टी, दिस इज एंगल, सो टी की जगह क्या रखोगे, 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कटता क्या आया, 2 2 4 पाई, 4 पाई मतलब दो चक्कर घूम गए, दो चक्कर घूम जाओगे वापस साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, माइनस जीरो प्लस जीरो बाकी सब जीरो हो गया, टेंशन खत्म की पावर में नहीं समझे। अरे साइन 4 पाई, 4 साइन 4 पाई क्या होगा, सो जाएगा 4 पाई पे लेट क्या, अरे जीरो आएगा भाई, 2 पाई 4 पाई जीरो। अब इस टी से टी कटेगा, आई नॉट स्क्वायर बाय 2 की पावर 1 बाय 2 क्या आएगा बोलो, आई नॉट बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 लग जाएगा जो मैं बोल रहा हूं, I not square है, I not two root। This is how you find VRMS और IR। ऐसे VRMS same, V is equals to V not sin omega t, VRMS नहीं, तरीका तो ये है, clear? पहले square करो, फिर उसका mean लो, फिर उसका root लो। पहले square किया, फिर उसका mean लेना, इस चीज़ का mean लेना है 20, क्योंकि time पे depend कर रही है, integral dt by dt करके mean लिया, फिर उसका root। बाकी मैथ से इसमें छाप ले, छाप लिया, पॉज करके छापे, 1 2 3 4 5 छप गया, मिटा रहे हैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर करंट और रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल। But students, now note something, if V is equals to V naught sin omega t, then you can write V RMS is equals to V naught by root 2. And similarly, if I is equals to I naught sin omega t, in that case, you can write I RMS is equals to I naught by root 2. अब मैं आपको significance समझाता हूँ RMS का. Significance of RMS. समझो आराम से। पहली बात, हमारे घरों में आने वाला 220 वोल्ट का पोटेंशियल जो कि आता है 50 हर्ट्ज पे, ये आपने देखा होगा कई जगह लिखा हुआ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है, हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी है, कि हमारे घर में जो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है वो 50 साइकिल चल रहा है एक सेकंड में। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड, तो एक सेकंड में करंट की 50 साइकिल बन रही है। ये ना बताया रहा नहीं था मुझसे, ये देखो एक साइकिल हुई, ये दो साइकिल हुई, ये तीन साइकिल हुई, ये चार साइकिल हुई, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, तो एक सेकंड में इस तरह की 50 साइकिल हो रही है, यानी एक सेकंड में करंट 100 बार जीरो होगा। अरे एक साइकिल में दो बार जीरो है, देखो एक साइकिल में यहां जीरो हुआ फिर यहां जीरो हुआ, हर साइकिल में करंट दो बार जीरो, एक साइकिल में एक बार यहां जीरो हुआ फिर यहां, तो एक सेकंड में करंट दो बार जीरो हो रहा है, तो 50 सेकंड में 100 बार जीरो, क्या मस्त करंट घर पे आ रहा है।
ऐसे ही करंट आ रहा है, ये जो ट्यूबलाइट चल रही है ना ऐसे चल रही है। अब ये इसकी ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी इतनी तेज है कि अपनी आंख पकड़ ही नहीं पा रही है कि करंट जीरो भी हो रहा है इसमें। ये जितने भी अप्लायंसेस है ना सब में एक सेकंड में 100 बार करंट जीरो हो रहा है, एक सेकंड में। ये इंडियन फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। अलग अलग देश की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, किसी और देश में जाओगे तो उनका करंट किसी और तरह से बना रहे हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी अपनी 110 हर्ट्ज है, कई किताब में यूएस वगैरह की दी रहती है। तो भारत में जो करंट आ रहा है वो एक सेकंड में 100 बार जीरो हो जाता है वो करंट, कमाल की बात। खैर इसको छोड़ते हैं, इस पे आते हैं 220 वोल्ट। तो ये 220 वोल्ट है क्या, जब हमको पता है v तो वेरिएबल है, v तो चेंज हो रहा है, तो 220 वोल्ट क्या लिखा होता है? वो v एवरेज नहीं होता, 220 वोल्ट इज एक्चुअली v आरएमएस। घर पे आने वाले पोटेंशियल की जो पीक वैल्यू है वो 220 नहीं है, उससे ज्यादा है। देखना चाहोगे VRMS is equals to V naught by root 2। भाई V naught क्या होता है? Peak value। ये होता है V naught। यहाँ से V naught is equals to VRMS into root 2। घर पे आने वाला RMS कितना है? 220 into root 2। इसकी approx value निकालोगे तो approx value आती है 311 volt के आसपास। यानी घर पे आने वाला current एक सेकेंड में 100 बार 311 volt पे भी जाता है। वो हमारा स्टेबलाइजर भी नहीं पकड़ पाता, स्टेबलाइजर होता है ना उसमें दिखाता रहता कितना, वो भी नहीं पकड़ पाता। एक सेकंड में 100 बार 311 वोल्ट, प्लस 311 माइनस 311 सर 311। समझ रहे हैं? तो 220 वोल्ट एसी जो बोलते हैं हम वो असल में 311 तक जाता है। क्लियर है बात? अगर एग्जाम में कुछ मेंशन नहीं है और पोटेंशियल दिया है तो उसको क्या मानेंगे? आरएमएस। लिख लो, इफ वी गिवन इन एग्जाम नॉट मेंशन व्हाट काइंड ऑफ वी इट इज, व्हाट काइंड ऑफ वी इट इज, मतलब बताया नहीं है कि वी एवरेज है कि वी नॉट है कि वी आर एम एस है, तो आप हमेशा उसको क्या कंसिडर करोगे? वी आर एम एस। जब भी कुछ ना दिया हो, कोई एक करंट दे दे, कोई एक पोटेंशियल दे दे और आपको आइडिया नहीं लग रहा है, आपसे बोल दे कि एक 220 वोल्ट में एक बल्ब हमने कनेक्ट कर रखा है, ये क्या है? ये पीक करंट है क्या? है एवरेज नहीं, ये आरएमएस वैल्यू है। उस सवाल में आपसे पूछेगा पीक बताओ, खटाक से आप ये फॉर्मूला लगा देगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। उस सवाल में आपसे एवरेज पूछेगा तो निकाल लोगे, एक बार वी नॉट निकल आएगा तो वी एवरेज भी आपको पता है। इस केस में क्या होता है? 2V0 by pi, और I average कितना हो जाएगा? 2I0 by pi। ऐसे सवाल आपको मिलेंगे छोटे-छोटे एकदम, 2 रुपए वाले सवाल, वो हम आपको नहीं करेंगे। क्लियर है? कि एग्जाम में बोल देगा 220 वोल्ट से हम ये बल्ब जला रहे हैं, अब बताओ इस पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पीक वैल्यू, इस पोटेंशियल की एवरेज वैल्यू क्या है, तो समझ जाना भी आरएमएस की। क्लियर है? अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस सिर्फ इतना नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ RMS इससे भी बड़ा है। सिग्निफिकेंस ऑफ RMS में तो मैं एक पूरा पूरा वीडियो कर सकता हूं 30 मिनट का। सर प्लीज ऐसा मत करो, ऐसे इतने बड़े वीडियो बनाते हो, जल्दी देखो समझा रहा हूं जादू की तरह। हां तो बच्चों मुंह खोलो, मैं आप लोगों को पिलाने वाला हूं, ये सिर्फ कॉपी के आपको नेक्स्ट 10 मिनट में सिग्निफिकेंस ऑफ RMS समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको तेज बच्चा बनना पड़ेगा। बनोगे तेज बच्चा? ये आ जाओ, सिग्निफिकेंस ऑफ RMS। अच्छा मान लो आराम से, यहां मेरे पास एक कांटा है, कांटा नहीं है रेजिस्टेंस है, और इसमें मान लो एक एसी करंट जा रहा है आई, एसी करंट। सर डायरेक्शन कैसे बनाया? किसी एक इंस्टेंट पे उसका डायरेक्शन इस तरफ ऐसे बनाया, और इस करंट की जो वैल्यू है वो है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमसे पूछा व्हाट इज द पावर या एनर्जी, बताते हैं व्हाट इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड या एनर्जी डिसिपेटेड मतलब बर्बाद हुई, यूज हुई इन रेजिस्टर इन टाइम टी टाइम में, इस रेजिस्टर में कितनी एनर्जी बर्बाद हुई? ये कोई इंस्टेंट है जिसमें करंट ऐसा, चलो आइए बताओ बस, ठीक है कोई डायरेक्शन। अब बताओ टी टाइम में इस रेजिस्टर में कितनी एनर्जी बर्बाद हुई?
क्या एनर्जी का फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं आपको, होता है आई स्क्वेयर आर टी, याद आ गया, आई स्क्वेयर हीट प्रोड्यूस्ड कह लो, एनर्जी कह लो, आई स्क्वेयर आर टी। यार ये डीसी वगैरह में लग जा रहा था क्योंकि हम कांस्टेंट करंट से डील कर रहे थे, आज तो करंट वेरिएबल है, क्या रखें यहां, एवरेज रख देते हैं सर, अच्छा लगता है सर एवरेज, एवरेज एवरेज आंसर, ऐसा नहीं है, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वही तुम्हारे लिए बना हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सुना करो कि भगवान क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं इससे काम नहीं बनेगा, तुम रख दो एवरेज, आंसर नहीं सही आता, आंसर हमने मेजर की कितनी एनर्जी जा रही है टी टाइम में, एवरेज वैल्यू रख के चेक किया, नहीं आया आंसर, मन में आ रहा है कि सर यहाँ एवरेज रखते काम बन जाना चाहिए, बट हुआ नहीं ऐसा। हमने देखा हमने एक सेकंड में या एक मिनट में कितनी एनर्जी थी हमने यहां से मेजर कर लिया, वहां देखा उस एनर्जी का आंसर एवरेज रख के मैच ही नहीं किया, ठीक है, आरएमएस से मैच कर गया, किससे, आरएमएस से, देखो क्यों मैच किया, ऐसा नहीं है, अब समझो वेरिएबल करंट, वेरिएबल करंट हम छोटे से टाइम डीटी में और एनर्जी निकालते हैं, लेट अस फाइंड क्या एनर्जी डिसिपेटेड इन स्मॉल टाइम डी टी, ये तो कर सकते हो ना, वेरिएबल चीज के लिए स्मॉल स्मॉल काम तो कर सकते हैं, स्मॉल टाइम डी टी में मान लेते हैं डी एनर्जी गई, जो कि हो जाएगी आई स्क्वेयर आर डी टी, बोलो यहां तक तो सही है, इतने छोटे से टाइम में करंट वेरी नहीं कर पाएगा, इतने छोटे से टाइम में करंट वेरी नहीं कर पाएगा, छोटे से टाइम में छोटी सी एनर्जी डिसिपेट हुई आई स्क्वेयर आर डी टी, अब आ गया सर, अब इसको सर इधर से इंटीग्रेट कर दो, इसको इधर से इंटीग्रेट कर दो, टोटल एनर्जी में, ये समझ में नहीं आया क्या, छोटे से टाइम में करंट चेंज नहीं होगा, तो हम ये फॉर्मूला तब यूज कर सकते हैं, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, डी का इंटीग्रेशन हो गया ई, अब इसको जरा समझना, आर रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है बाहर उठा लो, अब समझो मजा आने वाला है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है बाहर उठा लो, उठा लिया सर, अब इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी, कुछ पहचाना हुआ लग रहा है क्या ये, एक बार मुझे बताओ क्या आई आर एम एस को आप आई स्क्वायर का एवरेज का रूट बोलते हैं, बोलते हैं सर, क्या आई आर एम एस को आप ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, अरे भाई आई स्क्वायर का एवरेज ऐसे तो निकलेगा, बोलो भाई आई स्क्वायर का किसी चीज का एवरेज कैसे निकलता है, जो चीज टाइम पे डिपेंडेंट होती है वो चीज इनटू डीटी इंटीग्रेशन, नीचे डीटी इंटीग्रेशन, आई का नहीं निकालना, आई आर एम एस में किसका एवरेज निकालते हैं, स्क्वायर का एवरेज करो, तो स्क्वायर का एवरेज ऐसे निकलेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो जरा, तो ये मिलेगा आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, यार इंटीग्रल डी टी क्या हो जाएगा टाइम टी, तो यहां से आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी is equals to I RMS का square into t, बोल सकते हैं अरे dt का integration t आएगा, dt का integration t t था, तो integral I square dt की value ये होगी, अरे बड़ा आसान है यार, हाँ 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 I square dt से वैसे भी RMS click करना चाहिए, square कुछ कुछ mean जैसा हो रहा है, नीचे अगर dt से divide करते तो वही तो किया, I RMS is I square का average का root, फिर मैंने कहा I square का average I square dt upon integration dt, मैंने कहा दोनों तरफ square कर दो, square तो फिर ये I square dt is equals to I RMS का square into dt, dt जगह t कर दिया, यानी हम लिख सकते हैं R और I square dt की जगह I RMS का square into t, देखो expression बन गया I square RT जैसा, हाय हाय नहीं समझ में आया सर, देखो expression देखो ध्यान से क्या बना, finally energy is equals to I RMS का square into R, यानी टी टाइम में इस रजिस्टर में कितनी एनर्जी बर्बाद हुई ये निकालने के लिए, या तो छोटे छोटे टाइम की एनर्जी निकाल के इंटीग्रेट करके आंसर दो, या तो आई स्क्वायर आर टी में आई की जगह आई आर एम एस पुट कर दो, ये सिग्निफिकेंस है आई आर एम एस का, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, कभी मैंने बोला इसके ऊपर आधे घंटे का लेक्चर हो सकता है पूरा, द एनर्जी डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर by current I naught sin omega t in time t is same as the energy dissipated in the same resistor by a constant current of I RMS for time t.
अगर हम ये अज्यूम कर लें कि इस रजिस्टर में आई आर एम एस नामक करंट टी टाइम के लिए फ्लो कर रहा, उस समय जो एनर्जी डिसिपेट होगी उसकी वैल्यू वही आ रही है जो ये करंट जो कि वेरिएबल है टी टाइम तक इस रजिस्टर में फ्लो करने पे एनर्जी डिसिपेट मतलब वेस्ट करता है या प्रोड्यूस करता है या गवा देता है। फिर से समझाऊंगा, ये करंट लिया आई नॉट, जरूरी है इंपॉर्टेंट, ये करंट लिया आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको रजिस्टर आर से गुजार दिया कि जाओ, हमने घड़ी देखी टी टाइम में, बोला कितनी एनर्जी गई, कोई मीटर लगा रखा है ना, हमने मीटर लगा के देख लिया, अच्छा इतनी एनर्जी आ गई, ठीक है, हमने कहा अच्छा ठीक है, हमने कहा इसको कैसे कैलकुलेट करें, हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, पर आई रखें तो रखें क्या, यहां तो करंट वेरिएबल है, आई स्क्वायर आर टी में रखें क्या एनर्जी के फॉर्मूले में। फिर हमने देखा अगर उसी फॉर्मूले में हम आई आर एम एस रख देते हैं कांस्टेंट मान के कि पूरे टाइम आई आर एम एस, मान लिया पूरे टाइम आई आर एम एस माना हमने, और रख के जब आंसर निकाला तो वही आया जो इससे आया था। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर बाय करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी इन टाइम टी इज सेम एज इफ अ कांस्टेंट करंट आई आर एम एस flows in that resistor for time t। अब क्लियर हो रहा है, खुल रहा है दिमाग में, ये हमसे किसी ने कहा कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है साहब 10 sin omega t, 10 sin 50 t ऐसे लिखा है, 10 sin 50 t, 10 sin 50 t, हमने कहा ठीक है, हमने कहा ये बताओ इस रेजिस्टर में कि एक मिनट में कितना एनर्जी डिसिपेट करेगा, हमने कहा कैसे निकाले, तो करंट वेरिएबल है, एनर्जी का फॉर्मूला हमें आई स्क्वायर आर टी आता है, तो हमसे किसी ने कहा ऐसा करते हैं कि इसको dt के लिए ले लेते हैं एनर्जी, थोड़े थोड़े टाइम के लिए निकालते हैं क्योंकि करंट वेरिएबल है, फिर इंटीग्रेट, हमने कहा ठीक है, हमने आंसर निकाल लिया, मान लो आंसर आया हमारा 100 जूल, मान लो आंसर आया 100 जूल, तो दूसरे बंदे ने क्या किया, उसने कहा आई स्क्वायर आर टी में हम आई आर एम एस पुट कर देते हैं, और आई आर एम एस पुट करने में भी आंसर 100 जूल आया। तो ये है इसका सिग्निफिकेंस कि व्हाइल कैलकुलेटिंग एनर्जी डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर You can replace the constant current of I square RT directly with IRMS. IRMS behaves like a constant current. यानी इसके ऊपर, अब सुन लो आखिर लाइन कैसे, इसके ऊपर T time में ये current वो ही effect डालेगा जो एक constant current IRMS डालता। Clear? हमें मान लो कोई कोई बात समझनी है किसी register के ऊपर, तो हमें variable current से समझ में नहीं आ रही, current vary कर रहा है, कोई भी चीज स्टडी करने में प्रॉब्लम हो रही है, हाँ यार ये बात तो समझ में नहीं आ रही है, कैसे हो रहा कैसे हो रहा, करंट तो वेरी हो रहा, हमने कहा हटाओ इसको, आई आर एम एस बहा दो, ये करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी जो काम करेगा टी टाइम के अंदर, आई आर एम एस एक कॉन्स्टेंट करंट भी वही काम करेगा टी टाइम के अंदर, इट इज अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर आई नॉट साइन ओमेगा टी। घर में जब आप करंट को मेजर करते हो ना, आप क्या मेजर करते हो, आर एम एस करंट, जितनी भी डिवाइसेस है वो आरएमएस पकड़ती हैं, उनको लगता है कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है मस्त आरएमएस, वेरिएबल वेरिएबल कुछ नहीं, हाँ कांस्टेंट आरएमएस जा रहा है, ये ना इसका मतलब रूप है, इसका वो रूप जो इंसान देख रहा है, हमें ये करंट दिख ही नहीं रहा, हमें बाहर से देख के लग रहा कि ये कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो कर रहा, जितने भी इफेक्ट हमें ऑब्जर्व हो रहे, एकदम सही बता रहे, एकदम सही, एकदम ट्रस्ट करो, जितने भी हमें इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहे हैं वो ऐसे ऑब्जर्व हो रहे हैं कि लग रहा है इसके अंदर एक कांस्टेंट करंट है जिसकी वैल्यू आईआरएमएस आई नॉट बाय रूट 2, आई नॉट बाय रूट 2 रख के वही काम बन जा रहा है जो कांस्टेंट करंट से बन सकता था, इन सब की कोई जरूरत नहीं। हाँ, और जितनी भी डिवाइस हम लगाते हैं मीटर वोल्ट मीटर, वो आरएमएस करंट या आरएमएस पोटेंशियल ही मेजर करती है, क्या यहां पे एमीटर वोल्ट मीटर काम नहीं कर सकते क्योंकि करंट लगातार गुड 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 फ्लक्चुएट करा के आपकी एमीटर की की को अपनी ही जगह पे रोक देगा। जरा सोचो, मान लो तुमने एमीटर कनेक्ट किया, हाउ डज एमीटर एंड वोल्टमीटर फंक्शन, गैल्वेनोमीटर से बने थे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, टॉर्क, याद आया टॉर्क, जैसी करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे टॉर्क भी एंटी क्लॉक, मतलब टॉर्क क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा या उल्टा हो जाएगा, तो एक बार इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, एक सेकेंड में 100 बार इतनी तेजी तक करेगा, आपको लगेगा ये जीरो पे है, असल में वो करेगा ये, अरे कोई दो इंसान को ऐसे ऐसे खींचे वैसे खड़े रह जाएंगे, इनर्शिया।
तो नॉर्मल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डीसी वाले, वो इनको मेजर नहीं कर सकते, एसी करंट वगैरह को। एसी मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर गैल्वेनोमीटर, हॉट वायर वोल्टामीटर। एसी करंट मेजर करना है हॉट वायर एमीटर लो, एसी पोटेंशियल मेजर करना है हॉट वायर वोल्टमीटर लो। सिलेबस में नहीं, हमारे कहीं आप देखोगे एसी वर्मा में दिया हुआ है हॉट वायर एमीटर, पढ़ना पढ़ लो, सिलेबस में। अगर कोई आपसे पूछता है क्या डीसी की डिवाइसेस से, क्या डीसी की डिवाइसेस से, क्या डीसी की डिवाइसेस से आप एसी करंट या एसी पोटेंशियल मेजर कर सकते हो, नोट कर लो इसे बेटा, छाप तो ले सर, छाप लो। ओके, डीसी डिवाइसेस कैन नॉट मेजर मार्बल करंट, कैन नॉट मेजर एसी, कैन नॉट मेजर अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ, है ना, यानी नॉर्मल एमीटर वोल्टमीटर will show zero reading for AC. So hot wire ammeter and hot wire galvanometer या voltmeter, voltmeter are used to measure AC current and potential. अब hot wire समझ में आ रहा है, कुछ कुछ heating effect of current पे based होगा, तो heating effect पे based है तो क्या measure करेगा IRMS? ये भी तो IRMS से heat ही तो produce होगी energy. They measure, ये आपके syllabus में है नहीं इतना, बस ये पता आपको measure क्या करते हैं? They measure RMS I and V. RMS करंट और RMS पोटेंशियल मेजर करते हैं। मान लो किसी सवाल में एक हॉट वायर एमीटर लगा के दे दिया और आपको रीडिंग दिखा रहा है किसी इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर वगैरह पे, अभी आगे चैप्टर बढ़ेगा, आपको रीडिंग दिखा रहा है, आप सोच रहे हैं कौन सा करंट दिखा रहा होगा, RMS दिखा रहा होगा, क्लियर है? ये RMS का इंपॉर्टेंस था, नोट कर लें। इसके बाद आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं RMS की वैल्यू निकालने के, अच्छे अच्छे सवालों के लिए। छाप लें इसको, पॉज करके 1 2 3 4 बिटा रू, पॉज करके ओके। तो यहां तक जो चीजें आपने पढ़ी 95% सवाल आपको यहीं से मिलेंगे। एवरेज वैल्यू कितनी है 2i0/π 2v0/π, निकालना कैसे है इंटीग्रल आई डी टी अपॉन नीचे इंटीग्रल डी टी। आरएमएस वैल्यू कैसे निकलती है, आई स्क्वायर पहले स्क्वायर करो फिर एवरेज लो फिर रूट लो, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर करो एवरेज लो फिर रूट लो। कितनी आती है I not by root 2, V not by root 2। जब कोई और वैल्यू नहीं दी हो तो समझ जाओ जो given value वो क्या है, जब mentioned ना हो तो समझ जाओ given value क्या है, RMS। सारे devices क्या measure करते हैं, RMS। RMS ऐसा current है जिससे अगर replace करते तो सारे effect ऐसे लगेंगे कि एक constant current से हो रहे हैं, जो effect हमारा एक variable AC current दिखाता है वो एक constant RMS वही effect दिखा सकता है। अब सुन, एक सवाल मान लो फाइन आरएमएस करंट फॉर, अब देखो ध्यान से सवाल आया बढ़िया सा, सब पढ़ने के बाद आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस करंट का आरएमएस करंट निकालो, ये भी वेरिएबल करंट है तो वेरिएबल आई नॉट प्लस, अब कैसे निकालोगे आरएमएस, हमने क्या सीखा है I RMS is equals to I square करो, उसका एवरेज लो फिर उसका रूट लो, यानी पहले I square का एवरेज क्या होगा I square dt इंटीग्रेशन नीचे इंटीग्रेशन dt और उसका रूट, बोलो सही बोल रहे, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर करा एवरेज लिया रूट लिया, तरीका क्या है I square dt नीचे इंटीग्रेशन dt हाफ। अब I square dt की जगह इस पूरे का स्क्वायर करें फिर उसका इंटीग्रेशन, अरे कर लो नहीं सर आसान है, और करते हैं आओ आओ इस पूरे आओ आओ स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर प्लस टू ए
बी का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, नीचे इंटीग्रेशन डी टी। अरे सर हो जाएगा, देखने में बड़ा लग रहा है, आओ आओ आओ। हमने कहा इस करंट का आरएमएस वैल्यू निकालो, कोई करंट ऐसा है, ऐसा करंट भी हो सकता है, आज का आरएमएस निकालो। आप याद करके गए आई नॉट बाय रूट 2, वो इसके लिए था नहीं, वो तो इस करंट के लिए था। अब एग्जाम में ये आ गया, आपने कहा ठीक है कॉन्सेप्ट पता है, का स्क्वायर करेंगे, एवरेज लेंगे, रूट लगाएंगे, स्क्वायर किया, एवरेज आई स्क्वायर डी टी बाय डी टी, और फिर रूट आई स्क्वायर की जगह इस पूरे को स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब पहले आई नॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लो, आसान है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या रखोगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा 2 ओमेगा टी बाय 2, फिर साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, और इसको भी इंटीग्रेट। हाय राम, समझ लो प्रॉब्लम कहाँ होगी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 रखो, फिर इंटीग्रेट करो अलग अलग टर्म को, ये सब कुछ नहीं करना है। देखो अब सुनो, तरीका समझो, शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट देखो, यहाँ लिखो शॉर्टकट, ये पकड़ लो शॉर्टकट, ये पकड़ लो आप कि साइन ओमेगा टी का एवरेज जीरो होता है, कॉस ओमेगा टी का एवरेज जीरो होता है, चाहे साइन टू ओमेगा टी हो कॉस टू ओमेगा टी, मतलब साइन थीटा का एवरेज जीरो, कॉस थीटा का एवरेज जीरो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2 होता है, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2। ये ऊपर बार लगाना भी चूचू की तरह ही है, ऊपर बार लगाओ या चूचू लगाओ, दोनों का मतलब एवरेज, ठीक है। और ये चीजें किसके लिए है, फुल साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए। अब फाइंड आरएमएस करंट फॉर, देखो पहला सवाल आसान लेते हैं, फाइंड आरएमएस करंट फॉर आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मान लो ये सवाल है, इसका आरएमएस निकालना आई नॉट बाय रूट 2, देखते हैं और एक बार बिना इंटीग्रेशन वगैरह के जाओ, आई आरएमएस इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर चू चू रूट, सही, इसका मतलब अंडर रूट आई स्क्वायर का एवरेज, यानी आई स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन, नीचे इंटीग्रल डी टी, ठीक सही यहां तक, सही। ये करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, देख क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं, इंटीग्रेशन सॉरी अंडर रूट आई स्क्वायर का एवरेज, अच्छा आई की वैल्यू कितनी है, यानी इसका एवरेज आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वाई स्क्वायर डी टी करने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट बता रहे हैं, सुनो ध्यान से, आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है ना, रूट मीन स्क्वायर, यानी स्क्वायर का एवरेज, यानी इस क्वांटिटी का एवरेज। अब देखो इस पूरे पे मान लो ऐसे बार लगा है, बार का मतलब भी एवरेज होता है ना, आई स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आई स्क्वायर का बार, ये बार ना पहले अलग अलग टर्म पे डाल दो, आई नॉट स्क्वायर का बार साइन स्क्वायर ओमेगा टी का बार, सुनते जाओ भी आसान हो जाएगा धीरे धीरे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर का मीन फिर रूट, तो स्क्वायर उसका मीन फिर रूट, फिर मैं आई स्क्वायर की जगह ये रख देते हैं, इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर इस बार को दोनों पे डाल दो। अब आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, उसका एवरेज क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर ही होगा मेरे ख्याल से, तो तुम्हें क्या लग रहा है, बोलो आई नॉट स्क्वायर क्या है, कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2, खेल खत्म, आई नॉट स्क्वायर का आई बाहर, मैजिक, नोट करें, अच्छे सवालों में काम आएगा, नोट करें, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं, नोट कर लें, 1, 2, 3, 4 समझ में आया, चार ओके, आओ दूसरा सवाल देखो, ये इतना बढ़िया काम करेगा ना, सेकंड सवाल, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही दिया था हमने आपसे, क्या बोल दिया, आई आर एम एस निकालो, मतलब आई स्क्वायर के एवरेज का रूट, आई स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, यानी अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 आई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी, बोलो सही लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पूरे का एवरेज। अब ये एवरेज टर्म सब पे डाल दो अलग अलग, क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर का एवरेज, आई नॉट स्क्वायर का एवरेज साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, 2 आई नॉट स्क्वायर का एवरेज साइन ओमेगा टी का एवरेज, बोलो सही है, बहुत ही आसान,
आई नॉट स्क्वायर एक कांस्टेंट क्वांटिटी, उसका एवरेज क्या आएगा? आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट क्वांटिटी एवरेज आई नॉट स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ, टू आई नॉट स्क्वायर का एवरेज टू आई नॉट स्क्वायर, कांस्टेंट का एवरेज वही रहेगा, साइन ओमेगा टी का एवरेज जीरो, खत्म। I not square plus I not square by 2, यानी 2 और 1, 3 by 2 I not square, यानी आ जाएगा I not बाहर under root 3 by 2, सही? 2 plus 1, 3 by 2 I not square, I not बाहर, clear है? आ रहा है समझ में? एक last सवाल करें, फिर बंद करें इस lecture को, note कर लें, okay. मान लो हमको बोलता है I is equals to I1 sin omega t plus I2 cos omega t, हमसे कहा I RMS निकालो, क्या होगा? I square का average under root, I square का average इसको square करेंगे, I1 sin square omega t I2 square cos square omega t plus 2 I1 I2 sin omega t cos omega t, और ये होगा a square plus b square plus 2ab, अच्छा इस पूरे का एवरेज, अच्छा इसका एवरेज क्या होगा बोलो? ये एवरेज इस पे लगेगा, i1 square का एवरेज कितना आएगा? i1 square sin square omega t का एवरेज कितना आएगा? 1 by 2, फिर एवरेज इस पूरे टर्म पे लगेगा, i2 square का एवरेज कितना आएगा? i2 square cos square omega t का एवरेज कितना आएगा? 1 by 2 plus, अब देखो 2 sin omega t cos omega t, इसको sin 2 omega t लिख सकते हैं, पर ये पढ़ा होगा ना 2 sin theta cos theta is equals to sin 2 theta, बोले लिख सकते हैं कि तो 2 sin theta cos theta sin 2 theta यानी sin 2 omega t, और sin 2 omega t का एवरेज कितना हो जाएगा? 0, sin omega t हो 2 omega t हो 3 omega t हो 4 omega t हो, अरे sin theta का एवरेज एक साइकिल का 0, नहीं समझे? 2 sin omega t cos omega t क्या बन जाएगा? 2 sin omega t cos omega t, 2 sin omega t cos omega t will become sin 2 omega t, और ये जब एवरेज लगेगा किस पे लगेगा? sin 2 omega t पे, sin 2 omega t का एवरेज 0, तो ये टर्म भी गया, तो i1 square by 2 i2 square by 2 यानी under root i1 square plus i2 square by 2। यहां पे इस लेक्चर को हम करेंगे समाप्त, इस चीज को आप और प्रैक्टिस करिएगा, आरएमएस निकालने का तरीका, कांसेप्चुअल लेक्चर था आज का, नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेके आएंगे कि एसी करंट जब प्योर रेजिस्टर में जाता है तो क्या होता है, प्योर इंडक्टर में जाता है तो क्या होता है, प्योर कैपेसिटर में जाता है क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।